हेलो फ्रेंड्स, आज हम पांचवी कक्षा का हिंदी विषय का मित्रता इस पाठ का स्वाध्याय करेंगे। तो स्वाध्याय में सबसे पहले संवाद चुनकर उचित जोड़ियां मिलाओ। संवाद चार संवाद दिए हैं। छतरी तालाब के सामने रहता हूँ, रोचक कहानियाँ सुनाती है, मेरे पिताजी वकील है, मेरे माताजी सरपंच है, और आगे उनके नाम दिए हैं। तो कौन सा वाक्य किसी ने कहा है ये हमको सही लिखना है, ठीक है। तो इसके उत्तर आप लिख के ले लो अपने नोटबुक में। छतरी तालाब के सामने रहता हूँ, ऐसे अर्नाल बोला। पाठशाला के समीप रहती हूँ, ऐसे तबस्सुम बोली। मेरे पिताजी वकील है, विहंग बोला, और मेरी माताजी सरपंच है, क्षमा बोली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। हालांकि ये जो प्रश्न हैं ये स्वाध्याय में नहीं है, पर मैंने ये प्रश्न दिए हैं, आप ये सब अपने नोटबुक में लिख सकते हो सुंदर हस्ताक्षर में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। किन किन में मित्रता हुई? उत्तर है अर्नाल्ड, क्षमा, तबस्सुम और विहंग में मित्रता हुई। प्रश्न दूसरा, अर्नाल्ड के घर में कौन कौन रहते हैं? उत्तर, अर्नाल्ड के घर में उसके दादाजी, माँ, पिताजी और छोटी बहन रहती है। उत्तर और एक बार सुनो, अर्नाल्ड के घर में उसके दादाजी, माँ, पिताजी और छोटी बहन रहती है। प्रश्न तीसरा, अर्नाल की माँ कहाँ और क्या काम करती है? अर्नाल ने बताया था कि अर्नाल की माँ, उत्तर, अर्नाल की माँ सरकारी अस्पताल में नर्स है। अर्नाल की माँ सरकारी अस्पताल में नर्स है। प्रश्न चौथा, कल किसका जन्मदिन है? कल किसका जन्मदिन है? क्षमा बोली थी ना, हाँ याद है। उत्तर, कल क्षमा की बहन का जन्मदिन है, उसने बोला था ना तुम सब जरूर आना। कल किसका जन्मदिन है? कल क्षमा की बहन का जन्मदिन है। अगला प्रश्न, नीचे लिखे वाक्य किसने कहे हैं? किसने किससे कहा नहीं, सिर्फ किसने कहे हैं ये बताना है हमको, ठीक है। देखो, जो पहला वाक्य है, तुम सब जरूर आना, किसने कहा है सिर्फ लिखना है। तो यह वाक्य क्षमा ने कहा है, तुम सब जरूर आना जन्मदिन के। दूसरा, आज से हम सब अच्छे मित्र हैं। आज से हम सब अच्छे मित्र हैं, यह वाक्य विहंग ने कहा है। यह वाक्य विहंग ने कहा है। मेरे पिताजी वकील है। मेरे पिताजी वकील है, यह वाक्य विहंग ने कहा है। यह वाक्य विहंग ने कहा है। चौथा, मैं छतरी तालाब के सामने रहता हूँ। मैं छतरी तालाब के सामने रहता हूँ, यह वाक्य अर्नाल्ड ने कहा है। यह वाक्य अर्नाल्ड ने कहा है। तो
ये सब स्वाध्याय आप अपने नोटबुक में सुंदर हस्ताक्षर में लिखो और इसके साथ विद्यार्थियों ये जो पाठ है ये सही उच्चारण के साथ संवाद आप अपने मित्र को सुना सकते हैं, आप अपने माताजी पिताजी दादी दादा उनको भी सुना सकते हैं, है ना। फिर उससे जुड़े एक दूसरे से प्रश्न भी पूछ सकते हैं। और इसी प्रकार अगर कोई नया पड़ोसी आपके साथ मतलब आपके पास रहने को आ जाए तो उनको अपना परिचय देने के लिए भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। इससे आपकी भी और उनकी भी संभाषण क्षमता बढ़ सकती है और बड़ों के लिए आदर सूचक शब्द अपने शब्द सूची में बढ़ सकते हैं, जैसे कि आप, हाँ जी, है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। तो आज ये स्वाध्याय हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। व्हाट्सएप ग्रुप पे इसके फ़ोटो आप भेजो या पर्सनल पे भेजो। थैंक यू।